नहीं बोला कौन सा पापा का परी जादू मारा था। तो गाइस ये देखिए यही वाला दुकान है, इधर देखिए, इधर उधर, और ये देखिए ऊपर का कुछ भी नहीं है छत। हेलो गाइस, हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो गाइस आपका स्वागत है और एक अनदर ब्लॉग में। तो गाइस हर बार की तरह ये भी ब्लॉग इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है। गाइस ये वाला जो रास्ता दिखता है आप लोगों को, ये जाता है मरघिया से, थोड़ा मरघिया से जाता है गुम्मर, जो कि यही रास्ता है। गाइस देख सकते हो एकदम मस्त था, एकदम पेड़ को लगाया गया था, एकदम मस्त, एकदम रोड पे एकदम भाई मस्त बन गया, एकदम इतना सुंदर ना गाइस, तो जहर। और गाइस ये वाला जो दुकान है, इधर हवा हुआ है, ये तूफान, इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, बस ये मेरे घर के एक दुकान को नुकसान हुआ है, और लगभग 50,000 रुपया का। गाइस इतना ज्यादा अमाउंट है ना, इतना बड़ा अमाउंट का नुकसान हुआ है। चलिए आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं, बाहर से दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं, और जहां यहां से जो उड़ के गया है रात को तूफान में, यहाँ भी जाके दिखाते हैं। तो चलिए, तो गाइस ये देखिए यही वाला दुकान है, इधर देखिए, इधर उधर, और ये देखिए ऊपर का कुछ भी नहीं है छत, सिर्फ अल्मिस्टर थोड़ा सा बचा हुआ, पूरा अल्मिस्टर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर उस साइड गिर के मखाना का खेत में चला गया है। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके का भी यहाँ का नजारा है, बांस सब टूट चुका है, ये देखिए बीच में सिर्फ खंभा बचा है, ये रहा, ऊपर से डायरेक्ट सूरज का रोशनी आ रहा है, देखिए और सूरज का रोशनी डायरेक्ट मेरा मुंह में गिर रहा है। देखिए यहाँ पर गैस टंकी रखा हुआ है, और इधर सब गिरा हुआ बांस और बैम्बू वगैरह, ये देखिए बहुत ही दुखद खबर है गाइस। और ये वाला दुकान का एंट्रेंस था, मतलब सामने वाला, देखिए। तो गाइस अब चलते हैं, गिरा है 50 मीटर के दूर पर, वहाँ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पर आके गिरा है, देखिए दूर में आप लोगों को नजर आ रहा है, आप लोगों को वहाँ जाकर तो भी दिखाएंगे। इधर देखिए अल्मिस्टर वगैरह सब टूट चुका है, देखिए। और ये एक मखाना का खेत है, इधर देखिए गाइस, शायद अल्मिस्टर की वजह से या फिर हवा की वजह से सारा पलट चुका है मखाना भी, और अल्मिस्टर वगैरह टीना भी था, इसलिए टीना भी उनके चला गया है। तो देखिए वहाँ टीना है, इधर अल्मिस्टर, अल्मिस्टर को उतना हवा ना उतना उड़ा नहीं सका, यहाँ लगभग 10 मीटर के 20 मीटर के दूरी पर यहाँ फेंक गया अल्मिस्टर, और टीना जो था उड़ के एकदम 50 मीटर की दूरी पर चला गया। देखिए तो चलिए वहाँ भी जाके दिखाते हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए इधर देखो, यहाँ पर आके गिरा है, दुकान उधर है, छोटा सा तो नहीं कह सकते गाइस, सिर्फ ऊपर का जो सामान है 50,000 का नुकसान हुआ है क्या। ये देखो अभी फिलहाल मैं इस पतले से रास्ते वक्त आ चुका हूँ, क्योंकि खेत में अभी लगा हुआ है सब्जी कुछ भी, भाई अभी भाई अभी जा रहे थे गाइस, अभी मैं गिरते गिरते बचा हूँ और यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, तो आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा। तो भाई ये रहा लोकेशन, यहाँ पर गिरा है इतना दूर से आके हवा में आया है गाइस, और ये रहा इसे कांटों का राजा, क्या यहाँ पर कोई आए और किसी का दम है हमारे सब्सक्राइबर का, तो यहाँ आके थलांग मार के दिखाए, किसी का भी यहाँ दम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कांटा ही कांटा, बहुत जगह ये सब पत्ते वगैरह ना बाहर देश में तो मस्त जगह होता है, और सब अपने वीडियो बहुत इंटरनेट में वायरल भी हो रहा है, लड़की ये पत्ते वगैरह के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी, तो बहुत इंटरनेट में वायरल हो रहा है। हम लोग के इधर नहीं, क्योंकि हम लोग के इधर नहीं पता कौन सा भाई वो लोग सब मखाना होता है, और ये सब कौन सा इसमें एकदम कांटा भर के रहता है, इधर देखिए। और ये रहा हम लोग जो अभी दिखाने आए हैं, गाइस उतना दूर से उधर है,
आप लोग जूम करके बताते हैं। इतना दूर से यहाँ आया है, यहाँ इतना दूर गाइस 50 मीटर। अभी हम लोग वहां से यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट खड़ा हो गया। पहले मेरा कौन से पापा का तरी जादू आ रहा था, तो वहां से उड़ के यहाँ पर डायरेक्ट मस्त एकदम नजारा देखते हुए और आप लोगों को दिखाते हुए रिपोर्टर रिक्शा वाले। तो गाइस वीडियो को एंजॉय करने करते हैं, उम्मीद करते हैं मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग बहुत सारे लोग बोलते थे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कहीं भी जाके, तो मैं इस बार एकदम मस्त करके एक्सप्लेन किया हूँ। तो कुछ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड मेरे लिए नहीं कीजिएगा तो हादसों के लिए जरूर कीजिए लाइक एंड कमेंट में शेयर वाला इमोजी दे दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।